फ्रेंड, जैसे आप लोगों को पता है चल रहे हैं नवरात्रे, तो मैं बनाऊंगी खोए की व्रत की लड्डू या बर्फी, कुछ कोई भी शेप दे दो। तो ये आधा किलो खोआ है और बहुत ही इजी तरीके से 5 या 10 मिनट में बन जाएगी। तो पहले इसको ना घिस लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो गई है, अब मैं इसको खोए को कढ़ाई में करूँगी। और ये है काजू और बादाम, उसको दरदरा पीस लिया है मैंने। और ये है थोड़ा सा गोले का चूरा, गोले का चूरा, और जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहो आप डाल सकते हो, जो जो मेरे पास अवेलेबल है और मुझे पसंद भी है ये सिंपल एकदम बर्फी। तो पहले इसको डाल देते हैं कढ़ाई में, ठीक है। और जब बन जाएगी ना बर्फी तब मैं आपको दिखाती हूँ, तो कर लेते हैं, ठीक है। बनाओ फिर रेडी हो जाएगी तब। तो खोए को थोड़ा सा रोस्ट कर लिया और उसके बाद थाली में लगा लिया हमने घी, भूरा और ड्राई फ्रूट डाल के मिक्स कर लिया। अब इसमें डाल देंगे जो बनाया हुआ है हमने, और इसको फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये अच्छे से जम जाए। तो मैं हाथ से इसको फैला रही हूँ ताकि अच्छे से हो जाए, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। कट लगा देते हैं, तो जम ही नहीं है अभी, लगा के देखते हैं। लेकिन मैं आपको शक्ल दिखा देती हूँ बर्फी की, और लड्डू जी को भोग लगाने के बाद थोड़ी सी टेस्ट करके देखी थी, बहुत ही यम्मी है। हाँ, कट लग जाएगा इसमें, तो कट लगा लेते हैं, चक्कू से लगा लेते हैं, ठीक है। तो बस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये बर्फी, एक बार एक पीस निकाल के दिखाती हूँ, चक्कू से लगाऊंगी। क्योंकि फिर ये जम जाएगी ना ज़्यादा, फिर नहीं कट हो पाएंगे। रोक देगा, निकालने दो यार, बेइज्जती हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी तो ये अच्छे से जमी नहीं है, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए, देखो वैसे तो हो गई है ये, और इसमें फुल्ली ड्राई फ्रूट्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं डाला, लेकिन बहुत ही यमी और बहुत टेस्टी है। तो आप लोग भी बना सकते हैं झटपट व्रत की ये टेस्टी टेस्टी। अब मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि फ्रीजर में ना और थोड़ी सी ऑब्जर्व हो जाए। रोक दो।